जब भी ओडिशा के राजनीतिक परिदृश्य की बात होती है तो प्रभावशाली राजनेताओं की फेहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम जरूर शामिल होता है। इनके लिए डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी की राजनीतिक जीवन प्रेरणा स्रोत रहा है और आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान को श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया हम सबको संबोधित करें, अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी की 125वीं जयंती समारोह की मंच पर उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार की संस्कृति विभाग के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उड़ीसा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, देश की वरिष्ठ सांसद हरिकृष्ण मेहताब जी के सुपुत्र आदरणीय श्री भर्तृहरि मेहताब जी, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे प्रिय युवा विद्यार्थियों, मीडिया के मित्र, हृदयवियों और सज्जनों, हम सब लोग आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जब हम कुछ ही दिनों के बाद प्रजातंत्र की 75वां साल मनाएंगे। उसी के कुछ दिन पहले ये सुखद संयोग है, उत्कल केसरी देश के अनन्य प्रतिभा उड़ीसा के सुपूत डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब जी की 125वां जयंती मनाने के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश की गृह मंत्री और भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की उत्सव समिति की आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को और विशेष करके संस्कृति विभाग के मंत्री मेरे मित्र गजेंद्र सिंह शेखावत जी को और पूरा संस्कृति विभाग को आभार प्रकट करता हूँ इस प्रकार की एक मर्यादा उड़ीसा को देने के लिए। और ऐसे ही मैं इस अवसर पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन मांझी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। उड़ीसा सरकार ने भी एक समिति बना के डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब जी की 125वां जयंती को साल भर बनाने के लिए अनेकों कार्यक्रम रचना किया है। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सारे उत्कल वासियों की ओर से, उड़ीसा की ओर से आभार प्रकट करता हूँ इस सम्मान के लिए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।